हेलो गाइस, मैं प्रियंका, आपका मेरी किचन में स्वागत है। चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको रेसिपी समझ में आए तो वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आज हम छठ पूजन के लिए कैसे ही कचौनियाँ बनाया जाता है, बेहद आसान है, आसानी से घर पे बन जाता है। छठ पूजा के लिए कचौनियाँ बनाएंगे प्रसाद जो है, चलिए बनाना शुरू करते हैं कचौनियाँ। चावल का आटा हमने ये ले लिया है, ये साठी के चावल का आटा है। आप देख सकते हैं इसको साफ से अच्छे से आज चावल को धुल के सुखा के हमने पीस के इसका पाउडर जो है तैयार कर लिया है। आपके पास साठी के चावल का आटा ना हो तो नया वाला जो चावल होता है, इस समय नए चावल जो है मतलब हो चुके हैं, आप उस चावल से भी बना सकते हैं कचौनियाँ। देखिए हमने ये ले लिया है आधी कटोरी जो है चावल का आटा है, ये साठी के चावल का आटा है। और हमें एक बर्तन लेना है, उस बर्तन में हम चावल के आटे को डाल देते हैं। अब इसमें डालेंगे ये नारियल का बुरादा, आप इसके जगह नारियल को काट के भी यूज़ में ले सकते हैं। और ये गया गुड़, चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन गुड़ से ही कचौनियाँ जो है बनाया जाता है छठ पूजन के लिए। देखिए इसे अच्छे से मसल मसल के हम इसे मिक्स कर लेते हैं। मिक्स हो गया है, इसमें डालेंगे हम घी। घी जो आप यूज़ में लीजिएगा वो गाय के दूध का ही मतलब घी ले, और इसे भी साथ में अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है मसल मसल के। जितनी अच्छे से मिक्स होगा उतना ही टेस्टी कचौनियाँ जो है बनके तैयार होगी, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। देखिए अच्छे से ये मिक्स हो गया, अब इसमें आप दूध या पानी जो आपके पास हो उसके मतलब उसको आप यूज़ में ले ले। दूध जो आप यूज़ करिएगा वो गाय के दूध कच्चा दूध से आप उसे बनाइएगा, हमारे पास दूध नहीं है इसलिए हम पानी का यूज़ में लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और इसे हमें मिक्स कर लेना है। अच्छे से ये मिक्स हो गया है, आप देख सकते हैं ऐसे ही होना चाहिए। अब इसमें से हमें थोड़ा थोड़ा तोड़ लेना है कचौनियाँ बनाने के लिए। देखिए ऐसे हमें हाथों में इसे गोल घुमाना है, गोल घुमाते हुए लड्डू के जैसे करते हुए इसे हमें लंबे में ऐसे कर लेना है। अब इसे हमें प्लेट में रखते जाना है, ऐसे ही हम सारा जो है कचौनियाँ बना के तैयार कर लेंगे। हमने ये सारा कचौनियाँ जो है बना के तैयार कर लिया, पास से आप देख सकते हैं ये बनके तैयार हो गया है। अब इसे हमें ये टीक लेना है, सारे को हम ऐसे ही तैयार कर लेते हैं। देखिए हमने ये सारे कचौनियाँ जो है टीका हमने कर दिया है, तैयार हो गया है। ऐसे आप छठ पूजन पे कचौनियाँ बनाइए और छठ माता को प्रसाद चढ़ाइए, और अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करिए। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी, और न्यू वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।